नमस्कार दोस्तों, डे ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मारुति की स्विफ्ट पेट्रोल 2015 मॉडल। आप इस गाड़ी के क्लस्टर में देखो, क्लस्टर में एक इंडिकेटर चालू है और मैंने अभी तक चावी भी नहीं लगाई है गाड़ी में। एक लाल कलर की जो बत्ती जल रही है वो दरवाजे की बत्ती है, दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। ये हेडलाइट हाई बीम इंडिकेटर कंटिन्यूसली चालू रहता है और कस्टमर का कहना है कि गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाती है। इधर देखो, सभी लाइटें ऑफ है, हेडलाइट ऑफ है, फिर भी वो इंडिकेटर दिखा रहा है। हेडलाइट ऑन करो ऑफ करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखो, चावी मैंने निकाल दी है फिर भी इंडिकेटर चालू है। चावी को फिर से ऑन करते हैं और बाकी के इंडिकेटरों को देखते हैं बराबर जलते हैं कि नहीं। बाकी के इंडिकेटर सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावी बंद करते हैं और खोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को फटाफट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इसलिए ये इंडिकेटर जल रहा है। इसका ऊपर का कवर निकाल दिया मैंने और ये दो स्क्रू निकालना पड़ेंगे, तभी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बाहर आ जाएगा पीछे का कनेक्टर निकालने के बाद। इस कनेक्टर को निकाल देते हैं, आ गया। अभी ले जाते हैं इसको शॉप में और रिपेयर कर देते हैं। भाई, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। मेरे सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो को लाइक भी दे दीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पूरा खोल दिया और इसमें अभी हर एक कंपोनेंट को हम बारकाई से देखेंगे, कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट रहेगा। इंडिकेटर जो जलता था कंटिन्यूस, ये है इसकी एलईडी। इस एलईडी को कहीं से तो करंट मिलता है, इसलिए ये कंटिन्यूस जलती है। तो इसको कहाँ से करंट मिलता है वो शॉर्ट को हम ढूंढेंगे यहाँ। तो शॉर्ट को मैंने यहाँ ट्रेस कर लिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर इन दोनों एलईडी को पावर देता है और इस ट्रांजिस्टर में जो ट्रैक गया है बेस में, वो ट्रैक शॉर्ट हो गया है और इस शॉर्टिंग के कारण ट्रांजिस्टर को बायस वोल्टेज मिल रही है और ये हेडलाइट हाई बीम इंडिकेटर कंटिन्यूस जल रहा है। ये एलसीडी डिस्प्ले को थोड़ा संभालना होता है, अगर इसकी पत्ती कहीं भी टूट गई तो पूरा मीटर ही गया काम से, फिर नया डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने टेप लगा के इसको फिक्स करके रखा है। तो इस शॉर्टिंग को मैंने हटा दिया, अल्कोहल से क्लीन कर दिया ट्रैक और ये अभी जलना बंद कर दिया एलईडी। बाकी के सभी इंडिकेटर नॉर्मली जल रहे हैं। तो अभी इसका मैं ऊपर का कवर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसकी बाकी की फिटिंग अभी कर देते हैं। ये दोनों रिसेट और सेटिंग बटन, इनको लगाना होगा इधर। लगा दिए दोनों। इन कांटों को मैं टेम्पररी लगा देता हूँ, इनका ज़ीरो सेटिंग जो है गाड़ी में ही जाके करना होगा, यहाँ डेस्क पे बराबर नहीं होगा। तो चलते गाड़ी के पास। तो यहाँ गाड़ी में देखो, अभी एक कांटे अपने पोजीशन पे नहीं है। पीछे का कनेक्टर भी लगा देते हैं। कनेक्टर लगा दिया और ये डोर इंडिकेटर आ गया। अभी हाई बीम लाइट नहीं आ रही है। चाबी डालते हैं और ऑन करते हैं।
बाकी के सब इंडिकेटर बराबर है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी हेडलैम्प को जलाता हूँ और हाई लो बीम करके देखेंगे। तो अभी बराबर जल रहा है और ऑफ हो रहा है। तो अभी कांटों को पोजीशन पे लाते हैं और यहाँ कांटे पोजीशन पे लगा दिए बराबर। स्टार्ट करते हैं और आरपीएम कांटे को देखते हैं बराबर पोजीशन पे आता है कि नहीं। और ये बराबर पोजीशन पे है। अभी इसका ऊपर का कवर लगा देते हैं, पीछे के स्क्रू भी लगा देते हैं और फाइनल फिटिंग कर देते हैं। इसको फिर से शॉप में लाया पूरी फिटिंग के लिए। अभी फिटिंग हो गई और फाइनल इंस्टॉलेशन कर देते हैं गाड़ी में। तो यहाँ फाइनल फिटिंग हो गई। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।